गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेद माता गायत्री शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है आपका। अपने जो दूसरा चैप्टर है मृदा जीवांश पदार्थ, वो एग्रीकल्चर रसायन विज्ञान के अंदर शुरू कर रखा है और उसकी आज अपनी जो क्लास है वो पांचवी क्लास है। तो पिछली जो क्लास थी उसमें अपने ह्यूमस का संगठन पढ़ा था, ह्यूमस निर्माण की प्रक्रिया देखी थी और मृदा जीवांश पदार्थों का यानी कि ये उर्वरता पर क्या प्रभाव डालते हैं, गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका, उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। अब आज जो अपना टॉपिक है वो है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, ठीक है ना, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, सी अनुपात एन रेटो, ये निकालेंगे अपन रेशो, ये देखेंगे। तो इसका जो सूत्र है, देखो कार्बन पहले है तो कार्बन ऊपर आएगा और अनुपात वाली संख्याओं को अपन लिख सकते हैं, जो पहले है उसको ऊपर, बाद अनुपात के बाद वाली संख्या को नीचे लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसका सूत्र हो जाएगा सी अनुपात एन बराबर मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा, मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा, मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा, ठीक है, और नीचे आ जाएगा मृदा में प्राप्त नाइट्रोजन की कुल मात्रा, नाइट्रोजन की कुल मात्रा यह है। तो कार्बन और नाइट्रोजन की मात्राओं का जो अनुपात होता है वही क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है, वो अलग अलग मृदाओं में अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन एक मुख्य पादप मुख्य पोषक तत्व होता है, ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, तो इसमें यह अनुपात कहलाता है, यानी कि मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा तथा मृदा में प्राप्त नाइट्रोजन की कुल मात्रा का अनुपात ही कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कहलाता है। ये हो गई इसकी परिभाषा। इसके बाद में अपन देखते हैं कि भाई ये जो कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा है ये विच्छेदन की दर को नियंत्रित करती है, नाइट्रोजन की जो मात्रा है ये विच्छेदन की दर को नियंत्रित करती है। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात काफ़ी परिवर्तनशील रहता है, हमेशा बहुत ही परिवर्तनशील रहता है। कृषि योग्य भूमि में इसकी परिसीमा, ठीक है ना, कृषि योग्य भूमि में इसकी जो परिसीमा होती है वो होती है 8:1 से 15:1 तक, 8:1 से 15:1। कहने का मतलब 8 अनुपात कार्बन के हैं, 1 अनुपात नाइट्रोजन का है, 15 अनुपात कार्बन के हैं, 1 अनुपात नाइट्रोजन का है, ठीक है ना। नाइट्रोजन का अनुपात सदैव एक ही रहता है औसत। अब इसमें औसत देखेंगे तो इसमें औसत है, औसत देखते हैं तो औसत बीच में आ गया, ये 10 से 12.1, 10 से 12:1 ये आ जाता है, 10:1 होगा या 12:1 होगा, ठीक है ना। और ये जो अनुपात है ये जलवायु कारकों पर निर्भर करता है, जलवायु कारक वर्षा और ताप से क्या होता है ये प्रभावित होता है, जलवायु कारक, जलवायु कारक कौन से कारक, वर्षा और ताप, ठीक है ना, इनसे क्या होता है ये प्रभावित होता है। शुष्क क्षेत्रों की मृदाओं में आर्द्र क्षेत्रों की मृदाओं से कम होता है ये अनुपात, शुष्क में कम होगा आर्द्र में ज़्यादा होगा, आर्द्र क्षेत्र की मृदाओं से क्या होता है कम होता है ये अनुपात शुष्क क्षेत्रों में, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखते हैं फलीदार पौधों और गोबर की खाद में, फलीदार पौधों
और गोबर की खाद में जो ये अनुपात है ये होता है 20:1 से 30:1 तक, 20:1 से 30:1 तक होता है कार्बन नाइट्रोजन जो रेशो होता है वो। और कुछ फसल अवशेष होते हैं, फसल अवशेष भूसा यानी फसल अवशेष, फसल अवशेष, फसल अवशेष का मतलब भूसा जो अपना चारा होता है, इसमें इसमें ये जो अनुपात होता है ये 100:1 के करीब होता है। सूक्ष्म जीवाणु का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात अब देखते हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं का अलग अलग में परिवर्तनशील होता है, पहले ही बताया गया है। सूक्ष्म जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणुओं में होता है 4:1 से 9:1 तक, 4:1 से 9:1 तक सूक्ष्म जीवाणु में ये जो अनुपात होता है ये 4:1 से 9:1 तक। बैक्टीरिया उत्तक में, बैक्टीरिया उत्तक में 5:1 होता है बैक्टीरिया उत्तक में। फंजाई उत्तक में 10:1 होता है, ठीक है ना, 10:1 होता है। अब ह्यूमस, ह्यूमस में मर्दा, ह्यूमस में मर्दा, ह्यूमस में भी 10:1 ही होता है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग पहले ही बताया गया है कि कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात है वो परिवर्तनशील होता है, उसके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह पर अलग अलग अनुपात होता है इसका। अब मर्दा, इसमें जो जीवांश पदार्थ होते हैं इनमें पदार्थ अवशेषों का जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात विस्तृत होता है, इसमें ये देखो विस्तृत है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। अब इसके मर्दा में मिलने पर कार्बन स्रोत को ऊर्जा के रूप में ग्रहण करने वाले परिपोषित जीवों की संख्या में तीव्रता से क्या हो जाती है, वृद्धि, यानी ये जो रेशो है ये ज़्यादा बड़ा होता है तो सूक्ष्म जीवों की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तीव्रता बढ़ जाती है उनकी, और तीव्रता बढ़ जाएगी तो विच्छेदन भी शीघ्रता से होने लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार अपन निकाल सकते हैं इसके आधार पर। तो पहले आप लिखेंगे कार्बन अनुपात नाइट्रोजन, कार्बन ये अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, नाइट्रोजन अनुपात सी अनुपात एन रेटो, तो इसमें लिखेंगे मर्दा में प्राप्त, परिभाषा लिख लेंगे इसकी, मर्दा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा, मर्दा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा तथा नाइट्रोजन की कुल मात्रा, नाइट्रोजन नत्रजन भी बोला जाता है इसे, नाइट्रोजन की कुल मात्रा का अनुपात कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कहलाता है, का अनुपात कार्बन अनुपात का चिन्ह नाइट्रोजन अनुपात कहलाता है। इसके बाद में ये सूत्र उतारेंगे, पहले आप ये सूत्र उतार लेंगे, ठीक है ना, ये सूत्र उतारें और फिर लिखेंगे आप कार्बन ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, सूत्र उतार लेंगे
उसके बाद में नई लाइन से लिखेंगे कार्बन ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है तथा नाइट्रोजन एक मुख्य पादप पोषक तत्व है, एक मुख्य पादप पोषक तत्व है, एक मुख्य पादप पोषक तत्व है। ठीक है, इसके बाद में नीचे लिखेंगे कार्बन नाइट्रोजन अनुपात काफ़ी परिवर्तनशील है, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात काफ़ी परिवर्तनशील है। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात काफ़ी परिवर्तनशील है, ठीक है। जैसे कृषि योग्य भूमि में, जैसे कृषि योग्य भूमि में ये रहा 8:1 से 15:1 तक, 8:1 से 15:1 तक तथा औसत लिख लेना, ये 10:12:1 10:12:1 ठीक है, 8:1 से 15:1 तथा औसत 10:12:1 तक होता है। नीचे की लाइन में लिखेंगे फलीदार पौधों और गोबर की खाद में, फलीदार पौधों और गोबर की खाद में, तो ये उतार लेंगे आप ऐसे कैसे, फलीदार पौधों और गोबर की खाद में फलदार पौधों और गोबर की खाद में ठीक है ना, फसल अवशेष भूसा में, सूक्ष्म जीवाणु में, तो ये ऐसे कैसे आप उतार लें, ठीक है, ये पूरा ऐसे कैसे छाप लें इसको, ये पूरा उतार लें ऐसे कैसे। इसके बाद में अपन फिर लिखेंगे अनुपात का महत्व, अनुपात का महत्व, और महत्व में नंबर एक पॉइंट लिखेंगे आप, दो कारणों से इसका महत्व ज़्यादा होता है, नंबर एक पॉइंट लिख लेंगे आप इसमें, विस्तृत अनुपात का नंबर एक पॉइंट लिखेंगे, विस्तृत अनुपात का यानी कार्बन और नाइट्रोजन में अनुपात क्या हो, विस्तृत अनुपात का जीवांश पदार्थ, विस्तृत अनुपात का जीवांश पदार्थ मृदा में मिलाने से, मृदा में मिलाने से सूक्ष्म जीवों की
सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाती है, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाती है, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाती है, जिसके कारण विच्छेदन अधिक होता है, जिसके कारण विच्छेदन अधिक होता है, विच्छेदन अधिक होता है। अतः इस प्रक्रिया के दौरान नाइट्रेट नाइट्रोजन मृदा में कम हो जाती है, नाइट्रेट नाइट्रोजन मृदा में कम हो जाती है, अतः नाइट्रोजन पौधों को प्राप्त नहीं होती है, नाइट्रोजन पौधों को प्राप्त नहीं होती है, इस प्रक्रिया के कुछ समय पश्चात कार्बन नाइट्रोजन अनुपात संकुचित होने लगता है, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात संकुचित होने लगता है, संकुचित का मतलब घटने लगता है, जिससे कार्बन की मात्रा घट जाती है, कार्बन की मात्रा घट जाती है, फलस्वरूप परपोषित जीवों की सक्रियता कम हो जाती है, जीवों की सक्रियता कम हो जाती है, इस कारण नाइट्रोजन की मांग कम हो जाती है। नाइट्रेट नाइट्रोजन पौधों को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, नंबर एक कारण। नंबर दो कारण लिखेंगे अब आप, दूसरा कारण नंबर दो पॉइंट डाल देना। और इसमें लिखना कार्बन नाइट्रोजन अनुपात मृदा में स्थिर रहने से मृदा में स्थिर रहता है। इसका स्थिर रहना साधारणतः मृदा नाइट्रोजन स्तर पर स्थिर रहना साधारणतः मृदा नाइट्रोजन स्तर पर निर्भर करता है, मृदा नाइट्रोजन स्तर पर निर्भर करता है, अतः कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की
अतः कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की प्रायोगिक उपयोगिता पौधों तथा मृदा में नाइट्रोजन की उपलब्धता के लिए है। ठीक है, तो ये था ये अनुपात, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। इसके बाद में नया टॉपिक देखते हैं, नाइट्रोजन चक्र और उसमें होने वाले जैविक प्रक्रम। तो देखो, नाइट्रोजन चक्र, अपन ने कार्बन चक्र देखा था, तो नाइट्रोजन भी उसी प्रकार से अनेक यौगिकों में क्या हो जाता है, रूपांतरित होकर के पुनः चलता रहता है। ठीक है ना, नाइट्रोजन की अधिक मात्रा का अंतर्ग्रहण मृदा में और अनेक रूपांतरणों की क्रियाओं के साथ निरंतर चलता रहता है। यानी कि नाइट्रोजन को पौधे ग्रहण कर लेते हैं, पौधों को जंतु ग्रहण कर लेते हैं और जंतुओं का अपघटन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप पुनः वायुमंडल में नाइट्रोजन आ जाती है, मृदा में नाइट्रोजन आ जाती है। ये प्रक्रम क्या होता है, चलता रहता है। तो इस प्रक्रम को कहते हैं नाइट्रोजन चक्र। इस प्रक्रम को क्या कहेंगे, नाइट्रोजन चक्र, मृदा में नाइट्रोजन चक्र। मृदा में नाइट्रोजन चक्र एवं महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम। नाइट्रोजन चक्र में जो जैविक प्रक्रम होते हैं वो, ठीक है ना, महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है, तो इसमें लिख लें आप, नाइट्रोजन चक्र की पहले परिभाषा लिखवा देता हूँ, उसके बाद में करते हैं आगे। तो इसमें लिख लें, मृदा में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा का अंतर्ग्रहण तथा अनेक रूपांतरणों की क्रिया द्वारा नाइट्रोजन का पुनः प्राप्त होना नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। ठीक है, इसके लिए पहले आप ये एक डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बनाने के लिए पहले अपन बना लेते हैं, भाई ये कोई सतह है, जैसे पृथ्वी की सतह है, ठीक है ना, पृथ्वी की सतह है यहाँ अपन ने, और ये जो वायुमंडल, ये नाइट्रोजन है, यहाँ वायु नाइट्रोजन यानी N2, ठीक है, और वायु N2 है। इसमें इसका जो औद्योगीकरण होता है, इसका क्या होता है, औद्योगीकरण अर्थात उद्योग धंधे हैं वो इस नाइट्रोजन को किसमें बदलते हैं, अमोनिया के रूप में बदलते हैं। इसे किसमें बदलते हैं, अमोनिया के रूप में। तो ये क्या निकालता है, अमोनिया, NH3, ठीक है ना। ये NH3 कहाँ कहाँ से आती है, ये मृदा की अमोनीकरण प्रक्रिया से आती है।
ये जो नाइट्रोजन है तो इसमें देखो, इस प्रक्रम को पहले अपन समझते भी जाएंगे और बनाते भी जाएंगे। तो यहाँ से वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, ये उद्योगों द्वारा किसमें बदलती है, अमोनिया के अंदर, ठीक है। और अमोनिया के अंदर आती है तो थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इसको, NH3। ये प्रक्रम होता है अमोनीकरण प्रक्रम द्वारा, अमोनीकरण प्रक्रम द्वारा, ठीक है ना। ये प्रक्रम अभी आएगा, इसमें बता देंगे। मृदा कार्बनिक पदार्थ, यानी ये मृदा कार्बनिक पदार्थ, ठीक है ना, मृदा कार्बनिक पदार्थ का अमोनीकरण प्रक्रम द्वारा अमोनिया में बदलना। मृदा कार्बनिक पदार्थ अमोनीकरण प्रक्रम द्वारा, कहने का मतलब इसे ऐसे लिख देता हूँ मैं, ये जो प्रक्रिया है मृदा कार्बनिक पदार्थ, ये जो बदला जाता है मृदा कार्बनिक पदार्थ, ये किस प्रक्रम द्वारा अमोनिया में बदलता है, अमोनीकरण प्रक्रम द्वारा, अमोनीकरण प्रक्रम। तो ये मृदा में आ जाता है। अब मृदा कार्बनिक पदार्थ, ये मृदा के अंदर सूक्ष्म जीवाणु द्वारा आते हैं, ठीक है ना। यहाँ कहाँ से आते हैं, सूक्ष्म जीवाणु और पादप अवशेष, पादप अवशेष, तो यहाँ से ये आ जाता है। अब यहाँ ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया का क्या हो जाता है, नाइट्रीकरण हो जाता है। अमोनिया क्या होता है, नाइट्रीकरण। तो अमोनिया का नाइट्रीकरण, और नाइट्रीकरण के तहत क्या बनता है भाई, NO2, नाइट्रेट यौगिक बनते हैं। नाइट्रीकरण के तहत नाइट्रेट यौगिक बनते हैं। ये नाइट्रेट यौगिक अमोनिया द्वारा बनते हैं सीधे नाइट्रीकरण प्रक्रम द्वारा, ठीक है ना। नाइट्रेट, और इन नाइट्रेट यौगिकों का क्या किया जाता है, एक तो किया जाता है विनाइट्रीकरण। यहाँ नाइट्रोजन उर्वरक होता है मृदा में, नाइट्रोजन उर्वरक, तो यहाँ से सीधा भी बदला जाता है, नाइट्रेट में सीधे भी बदलता है। अब इस नाइट्रेट को क्या किया जाता है, इस नाइट्रेट का उपयोग ये विनाइट्रीकरण प्रक्रम द्वारा भी आता है भाई, ठीक है ना। तो इसका अंतर्ग्रहण कर लिया जाता है, इसका क्या किया जाता है, अंतर्ग्रहण, ठीक है ना, अंतर्ग्रहण। अब यहाँ अंतर्ग्रहण कौन करता है, यहाँ कोई पादप है, ये क्या है पादप, इस पादप की ये क्या है जड़ें, तो इस नाइट्रेट को ये क्या कर लेता है, अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण, पादप जड़ों द्वारा अंतर्ग्रहण कर लिया जाता है। और इसी नाइट्रेट, यही नाइट्रेट किस में बदल जाता है, मृदा कार्बनिक पदार्थ में भी बदल जाता है, निश्चली बहन द्वारा, निश्चली बहन द्वारा, निश्चली बहन द्वारा, ठीक है। अब ये जो विनाइट्रीकरण की रासायनिक अभिक्रिया है, इसके फलस्वरूप ये किस में बदलता है भाई, H2N2O, ये जो प्रक्रम है, इस प्रक्रम को कहते हैं विनाइट्रीकरण, ठीक है ना। आप थोड़ा सा आपकी बुक में देख लेना, वहाँ से ही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो विनाइट्रीकरण, अब
ये जो कार्बनिक अवशेष हैं ये इनको कौन खाता है? जानवर व पशु। और इनके जो अवशेष होते हैं, अवशेष वो कहाँ आकर के मिलते हैं? कार्बनिक पदार्थों में, ठीक है ना। इस प्रकार वर्षा जल में भी गैसीय नाइट्रोजन होती है, ठीक है ना। अब मर्दा कार्बनिक पदार्थ से इसके द्वारा क्या बनेगा? खनिजन। खनिजन की क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। कार्बनिक मृत्तिका, खनिजीय कार्बनिक मृत्तिका जटिल, यानी खनिजीकरण द्वारा क्या बनता है? अकार्बनिक पदार्थ में बदलता है ये, ठीक है ना। खनिजीकरण द्वारा बनता है इससे अकार्बनिक पदार्थ, खनिजीकरण, खनिजीकरण। और खनिजीकरण प्रक्रम में क्या होता है? अकार्बनिक नाइट्रोजन यानी खनिजीय कार्बनिक मृत्तिका जटिल बनते हैं, सीधी सी भाषा में ऐसे लिख देता हूँ, अकार्बनिक, अकार्बनिक नाइट्रोजन यहाँ बनती है। खनिजीकरण प्रक्रम द्वारा अकार्बनिक नाइट्रोजन बनती है। इसी प्रकार अमोनिया का, जब अमोनिया का क्या होता है? विनिमय, अमोनियम रासायनिक अभिक्रिया द्वारा इस अमोनिया का किसमें बदलना होता है? अमोनियम आयनों में, अमोनियम NH4+ आयन रासायनिक अभिक्रिया द्वारा। और इसका विनिमय, विनिमय स्तर होता है वो होता है आपस में ह्यूमस और मृत्तिका में, ह्यूमस और मृत्तिका, तो विनिमयी स्तर यह है। इसके बाद में आ जाता है, इसके बाद में कार्बनिक जो नाइट्रोजन होती है वो भी प्रकृति में नाइट्रोजन में बदल जाती है। अकार्बनिक जो नाइट्रोजन होती है, अब इसमें जो जड़ों के अंदर जो एजोटोबैक्टर जीवाणु पाया जाता है, यहाँ अंतर्ग्रहण है, यहाँ इसकी जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? एजोटोबैक्टर जीवाणु, क्लॉस्ट्रिडियम जीवाणु, ठीक है ना। तो जो ये पौधे को खा करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण दो प्रकार से होता है, एक सहजीवी जीवाणु द्वारा और एक असहजीवी जीवाणु द्वारा, ठीक है ना। तो ये पौधों की जड़ों में होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो पौधे की जड़ों में यानी कि अंतर्ग्रहण करते हैं, एक तो यहाँ होगा और दूसरा तो ये तो होगा, देखो सहजीवी जीवाणु द्वारा, सहजीवी, सहजीवी का मतलब राइजोबियम, राइजोबियम, राइजोबियम जीवाणु द्वारा, और ये होगा असहजीवी जीवाणु द्वारा, एक होगा असहजीवी जीवाणु द्वारा, असहजीवी जीवाणु। तो असहजीवी के अंदर आते हैं कौन कौन? एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रिडियम डीएम, इन जीवाणुओं द्वारा क्या होता है? ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण पौधे की जड़ों के अंदर होता है। अब ये पादप, तो ये आ गया अपने पास में नाइट्रोजन चक्र। अब आप इसको देख सकते हैं, इसमें नाइट्रोजन चक्र, और थोड़ा सा बड़ा कुछ रह गया तो आप अपनी बुक से, इसका डायग्राम बुक से उतारेंगे अच्छे तरीके से।
तो इसको समझा देता हूँ मैं, इसमें होने वाले प्रक्रम हैं। तो इसमें होने वाले प्रक्रम हैं स्त्रीकरण, और स्त्रीकरण में दो प्रक्रम होते हैं। स्त्रीकरण होता है, एक खनिजन होता है। स्त्रीकरण का मतलब होता है कि जो अकार्बनिक नाइट्रोजन है वो कार्बनिक नाइट्रोजन में बदल जाती है। नंबर एक प्रक्रम स्त्रीकरण। स्त्रीकरण ठीक है, नंबर एक प्रक्रम है स्त्रीकरण। नंबर दो प्रक्रम है खनिजन, खनिजन या खनिजीकरण, ठीक है ना। और दूसरा जो प्रक्रम है उसमें पहला जो पार्ट है वो है अमीनीकरण का, दूसरा है अमोनीकरण का, और तीसरा है नाइट्रीकरण विनाइट्रीकरण, ठीक है ना। तो दो पार्ट होते हैं स्त्रीकरण खनिजन। अब खनिजन के अंदर अलग अलग पार्ट हैं अमीनीकरण और अमोनीकरण, तो इसके लिए अपन चर्चा करते हैं। तो इसका डायग्राम आप अपनी बुक से थोड़ा सा उतार लेंगे, और डायग्राम बुक से उतार लेंगे भाई, ठीक है ना। नाइट्रोजन चक्र का आरेख पूछा जा सकता है तो आप ध्यान दे लें, या फिर यहाँ से उतार लेना, आपको जो भी इच्छा मिले वहीं से उतार लेना। अब देखते हैं अपन स्त्रीकरण। स्त्रीकरण का जो टॉपिक है वो देखो, मर्दा यानी कि कार्बनिक मर्दा स्त्रीकरण में नंबर एक है स्त्रीकरण। स्त्रीकरण की जो प्रक्रिया है, स्त्रीकरण इम्यूनोबिलाइजेशन। स्त्रीकरण की प्रक्रिया में अकार्बनिक रूप, नाइट्रोजन का अकार्बनिक रूप है वो कार्बनिक रूप में बदला जाता है। तो इसके अंदर अकार्बनिक नाइट्रोजन को किसमें बदला जाता है, कार्बनिक नाइट्रोजन में, ठीक है। तो वह प्रक्रम जिसमें अकार्बनिक नाइट्रोजन या अकार्बनिक नाइट्रोजन युक्त यौगिकों को कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में बदला जाता है वो कहलाता है स्त्रीकरण, अर्थात मर्दा को स्थिर कर दिया, इसको कार्बन नाइट्रोजन को स्थिर कर दिया जाता है, वो तो कहलाता है स्त्रीकरण का प्रक्रम। दूसरा जो प्रक्रम है वो है खनिजन। दूसरा प्रक्रम कौन सा है, खनिजन मिनरलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा होता है, अकार्बनिक नाइट्रोजन यानी कार्बनिक नाइट्रोजन में बदलने का जो प्रक्रम होता है उसे कहते हैं खनिजन। तो आप इन दोनों के बारे में, अब खनिजन की जो प्रक्रिया होती है उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अमीनीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण के प्रक्रम सम्मिलित हैं। तो अब टॉपिक डाल लेंगे इसमें नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत। नाइट्रोजन चक्र में निम्न जैविक प्रक्रम होते हैं, ये डायग्राम बनाने के बाद में नीचे टॉपिक डालेंगे, नाइट्रोजन चक्र में निम्न जैविक प्रक्रम होते हैं। और नंबर एक स्त्रीकरण, निम्न जैविक प्रक्रम होते हैं, नंबर एक लिखना स्त्रीकरण, नंबर एक स्त्रीकरण। और इसमें लिखना ऐसा प्रक्रम जिसमें अकार्बनिक नाइट्रोजन को कार्बनिक नाइट्रोजन के रूप में परिवर्तन होता है अकार्बनिक नाइट्रोजन को कार्बनिक नाइट्रोजन के रूप में परिवर्तन होता है। और इसमें लिखेंगे अब आप
अकार्बनिक नाइट्रोजन को कार्बनिक नाइट्रोजन के रूप में परिवर्तन होता है। तो ये लिख लेंगे अकार्बनिक नाइट्रोजन, तीर का निशान लगा करके कार्बनिक नाइट्रोजन, और ये प्रक्रम होगा क्या, स्थिरीकरण। स्थिरीकरण यहाँ लिख देना, स्थिरीकरण, ठीक है, स्थिरीकरण। अब नीचे नंबर दो पॉइंट डालेंगे खनिजन, खनिजन, और इसमें लिखेंगे ऐसा प्रक्रम जिसमें कार्बनिक नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रोजन को अमोनियम और नाइट्रेट, तथा नाइट्रेट, के रूप में बदलना खनिजन कहलाता है, तो आप इसको उतारेंगे, के रूप में बदलना खनिजन कहलाता है। अब नीचे लिखेंगे इस प्रक्रम के अंतर्गत समीकरण उतारने के बाद में लिखेंगे इस प्रक्रम के अंतर्गत अमीनीकरण अमोनीकरण तथा नाइट्रीकरण प्रक्रियाएं या प्रक्रम सम्मिलित हैं। खनिजन में ही सम्मिलित हैं, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे बदलता है, जैसे कार्बनिक नाइट्रोजन है वो जैसे प्रोटीन के रूप में है, प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है तो प्रोटीन के रूप में है। अब इसका किस में बदलेगा, ये अकार्बनिक, ठीक है ना। कार्बनिक नाइट्रोजन किस में बदले, अकार्बनिक में, एंजाइमिक जल अपघटन क्रियाओं द्वारा प्रोटीयोजेज में बदलता है, प्रोटीयोजेज क्या होता है, प्रोटीयो जेज में या योसस इस जय की जगह पे से भी आता है, तो इसमें बदलता है। इससे बाद में बदलता है ये किसमें, पेप्टोन्स में। इसके बाद में किसमें बदलता है, ये पेप्टोन्स में, और पेप्टोन्स के बाद में किसमें बदला जाता है, ये अमीनो
यौगिकों में, और एमिनो यौगिकों के बाद में बदलता है ये नाइट्राइट में, नाइट्राइट एमिनो यौगिकों के बाद में नाइट्राइट में बदलता है, नाइट्राइट नाइट्रेट में बदलता है, ठीक है ना। तो ये जो प्रक्रिया है, यानी नाइट्रेट, पौधे अमोनिया को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, पौधे अमोनिया को किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में, और इसी नाइट्रेट का ही ज़्यादा उपयोग होता है। तो ये कार्बनिक नाइट्रोजन है, ये लास्ट में जाकर के कार्बनिक नाइट्रोजन में बदला है, अर्थात नाइट्रेट रूप में आ गया है। इस पूरे प्रक्रम को क्या कहा जाता है, खनिजीकरण कहा जाता है। तो इसको उतार लेंगे आप, इस समीकरण को पूरे को उतार लें, अब खनिजन का पहला टॉपिक है वो देखते हैं अपन। खनिजन का पहला टॉपिक वो है अमीनीकरण। अमीनीकरण, अमीनीकरण, ठीक है ना, अमीनीजेशन। तो इसको देखते हैं, अमीनीकरण, अमीनी नहीं लिखा भाई, तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें होता है कि प्रोटीन और अन्य संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन एवं अन्य संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ, ये एंजाइम द्वारा, किसके द्वारा, एंजाइम द्वारा या डाइजेशन द्वारा, एंजाइम पाचन द्वारा किस में बदलते हैं, एमिनो यौगिकों में, संकीर्ण एमिनो यौगिक CO2, संकीर्ण एमिनो यौगिक CO2 प्लस एंजाइम आएगा ही प्लस अन्य यौगिक, अन्य यौगिक। तो कहने का मतलब है प्रोटीन और अन्य जो संकीर्ण कार्बनिक पदार्थ हैं जिनमें नाइट्रोजन है, उनसे एमिनो अम्ल बनना या एमिनो यौगिक बनने की जो क्रिया है उसे ही कहा जाता है अमोनीकरण। तो आप अमोनीकरण का टॉपिक डाल लेंगे और इसमें लिखेंगे अमीनीकरण, ऐसा प्रक्रम जिसमें
ठीक है, ई का मतलब एनर्जी है ना, एनर्जी। ऐसा प्रक्रम जिसमें प्रोटीन प्रोटीन तथा अन्य संकीर्ण यौगिक कार्बन, अन्य संकीर्ण प्रोटीन तथा अन्य संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त प्रोटीन तथा अन्य संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त, अन्य संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों, कार्बनिक यौगिकों का एंजाइम क्रिया द्वारा, एंजाइम की क्रिया द्वारा का एंजाइम की क्रिया द्वारा एमिनो अम्लों में बदलना, एमिनो अम्लों में बदलना, एमिनो अम्लों में बदलना अमीनीकरण कहलाता है। एमिनो अम्लों में या एमिनो यौगिकों में बदलना अमीनीकरण कहलाता है, अमीनीकरण कहलाता है, ठीक है, अमीनीकरण कहलाता है। ये समीकरण उतारेंगे, ये समीकरण उतारें, फिर इस ऊर्जा के उपयोग बताएंगे कहाँ कहाँ काम आती है ये ऊर्जा। ये समीकरण उतारने के बाद में लिखेंगे नीचे, इस प्रक्रम से प्राप्त ऊर्जा, इस प्रक्रम से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग दो प्रकार से होता है। इस प्रक्रम से प्राप्त ऊर्जा जो एनर्जी मिल रही है हमें, उसका दो प्रकार से उपयोग, दो प्रकार से होता है। नंबर एक डाल लेंगे, नंबर एक लिखेंगे, मृदा में उपस्थित जीव, मृदा में उपस्थित जीव, मृदा में उपस्थित जीव एवं सूक्ष्म जीवों के, मृदा में उपस्थित जीव एवं सूक्ष्म जीवों के कोशिकीय पदार्थों के, कोशिकीय पदार्थों के या कोशीय पदार्थों के, पदार्थों के संश्लेषण में, कोशिकीय पदार्थों के संश्लेषण में। नंबर एक पॉइंट, मृदा में उपस्थित जीवों तथा सूक्ष्म जीवों के कोशिकीय पदार्थों के संश्लेषण में। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सूक्ष्म जीवों की प्रतिक्रिया, सूक्ष्म जीवों की प्रतिक्रिया से, सूक्ष्म जीवों की प्रतिक्रिया से एमिनो यौगिकों का, सूक्ष्म जीवों की प्रतिक्रिया से एमिनो यौगिकों का सरल अकार्बनिक यौगिकों में, सूक्ष्म जीवों की प्रतिक्रिया से एमिनो यौगिकों का सरल अकार्बनिक यौगिकों में परिवर्तन होता है या परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना, परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार ये थी खनिजन का प्रक्रम अमीनीकरण। तो अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण, अमोनीकरण, ठीक है ना। उसके बाद में मृदा में पाए जाने वाले कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अब नियमित रूप से आप अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, रिवीजन सबसे ज़्यादा करेंगे, रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। धन्यवाद।